विटामिन B12 डिफिशियंसी। जी हाँ दोस्तों, ये विटामिन B12 क्या होता है इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। आजकल नई नई बीमारियाँ पनप रही है, नई नई बीमारियाँ मालूम हो रही है, तो वैसे ही उसमें से एक है विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो चलिए मेरे साथ में आज जानकारी इकट्ठा करते हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामय वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B12 डिफिशियंसी। दोस्तों हमारे एक दर्शक है, बहुत ही स्टूडियस क्यूरियस दर्शक है, उन्होंने मांग की कि सर विटामिन B12 डिफिशियंसी पे आप वीडियो बनाइए। तो आज हम हमारे दर्शक की मांग पूरा करते हैं। तो ये विटामिन B12 डिफिशियंसी क्या होती है? तो ये विटामिन B12 जो है शरीर को लगने वाली सब पोषक तत्व हमें अन्न से मिलती है, हमारे आहार से मिलती है। तो जाहिर है कि विटामिन B12 भी हमें अन्न से ही मिलता है, हमारे आहार से ही मिलता है। तो ये विटामिन B12 का रोल क्या होता है हमारे शरीर में? तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरल सेल मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे शरीर में जो सेल्स होती है उसके मेटाबॉलिज्म होने के लिए ये विटामिन B12 हमें काम में आता है। ये एक प्रकार का कोई एंजाइम होता है, ये कि केमिकल रिएक्शन जो होती है ये DNA में सिंथेसिस होती है, इसके एक्टिंग एज ए को एंजाइम इन केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ DNA का सिंथेसिस करने के लिए इसका ये बहुत उपयोगी होता है। ये हीमोपोएसिस और मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। इसकी केमिस्ट्री क्या है दोस्तों? तो ये आइसोलेटेड प्योर फॉर्म में मालूम पड़ा है 1948 में, सबसे पहले मालूम पड़ा है। ये साइनोकोबेलमिन नाम से जानते हैं हम इसे, विटामिन B12 बोले तो साइनोकोबेलमिन। ये एक रेड क्रिस्टलाइन कलर का सब्सटेंस होता है जिसका मॉलिकुलर वेट होता है 1355। ये दो फॉर्म में मिलता है हमें, दो फॉर्म में पाया जाता है। एक कोएंजाइम जिसे हम B12 कहते हैं, 5-deoxyadenosyl B12 कहते हैं। दूसरा होता है मिथिल कोबेलमिन जिसे हम मिथिल B12 कहते हैं। यह दोनों प्रकार का जो होता है यह नॉर्मल टिश्यू में पाया जाता है, जो दोनों फॉर्म्स है इसके। तो ये चिकित्सा में दोनों फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक हाइड्रोक्सी कोबेलमिन और दूसरा साइनोकोबेलमिन। तो ये हाइड्रोक्सी कोबेलमिन जो होता है ये प्लाज्मा को प्रोटीन से ज़्यादा टाइटली पैक करता है। हाइड्रोक्सी कोबेलमिन बाइंड्स मोर टाइटली टू प्लाज्मा प्रोटीन देन साइनोकोबेलमिन। हाइड्रोक्सी कोबेलमिन जो है ये साइनोकोबेलमिन से प्लाज्मा प्रोटीन को ज़्यादा टाइटली पकड़ता है। ये 3 times बेटर होता है हाइड्रोक्सी कोबेलमिन। सो हाइड्रोक्सी कोबेलमिन को हम ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ऐसे विटामिन B12 हाइड्रोक्सी कोबेलमिन का सोर्स क्या होता है? तो ये बेसिकली एनिमल ओरिजिन होता है, एनिमल से ही हमें प्राप्त होता है। और ये किडनी लिवर और ब्रेन में, इसका हार्ट में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है। ये मीट, फिश, चीज़, एग्स और दूध इनमें पाया जाता है। वेजिटेबल्स में ये बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन कुछ कंद सब्जियों में ये पाया जाता है, वो भी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो बैक्टीरिया होता है उनके सिंथेसिस से ये कंद सब्जियों में हो सकता है। हर कंद में होता है ऐसा ही नहीं, लेकिन कुछ कंदों में ये पाया गया है। ये विटामिन B12 जो होता है ये ह्यूमन कोलन में बैक्टीरियल फ्लोरा के द्वारा सिंथेसाइज होकर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसे विटामिन B12 की क्या रिक्वायरमेंट होती है डेली? तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट ये होती है 1-2 mg तक इन एडल्ट्स, मतलब बुजुर्ग लोगों में 1-2 mg तक लगती है, प्रेग्नेंट वुमन में और बच्चों में ये ज़्यादा लगती रहती है। विटामिन B12 जो होता है ये खाना पकाते वक्त होता है, लेकिन जैसे हम खाने को बॉईल करते हैं तो इसे ये नष्ट हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिनका जो स्रोत है ये कच्चे मात्रा में ही इसे लेना चाहिए। इसलिए हम जो एनिमल स्रोत जो होता है दूध, तो दूध में ये पाया जाता है। जैसे ही हम दूध को गर्म करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, कम मात्रा में हमें मिलता है। इसलिए कच्चे दूध को ही पीना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान कहा गया है। इसका जो टिश्यू स्टोर है हमारे शरीर के टिश्यूज में ये संग्रहित किया जाता है, सबसे ज़्यादा लीवर में होता है, जिसके कि ये 1500 से लेकर 2000 microgram तक स्टोर किया जाता है। इसका रिचेस्ट स्टोर जो होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये किडनी, हार्ट और ब्रेन में स्टोर किया जाता है, 20-30 microgram तक ये स्टोर किया जाता है। और टोटल बॉडी में अगर देखते हैं तो 2-5 mg तक ये स्टोर होता है। अभी ये विटामिन B12 का एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये कौन से रूट से बाहर जाता है? तो इसका मेन रूट है एक्सक्रीशन थ्रू द बाइल। जो हमारे डेली हमारे शरीर में जो बाइल पित्त तैयार होता है इसमें से ये एक्सक्रीट होता रहता है, 3-6 mg तक डेली इसका लॉस होता रहता है। मतलब हम जब आहार लेते हैं तो आहार से प्राप्त होता है और उसी में बाइल जो बनता है शरीर से आहार पकाने के लिए, तो उसमें 3-6 mg तक डेली लॉस होता रहता है। तो दोस्तों ऐसे विटामिन B12 का, साइनोकोबेलमिन का क्या फंक्शन होता है हमारे शरीर में, ऐसा क्या काम करता है? तो ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे शरीर में सिंथेसिस ऑफ DNA में, DNA एवरी बायोलॉजिकल सेल के DNA में सिंथेसिस करने के लिए बहुत अच्छा वाइटल रोल अदा करता है।
पर्टिकुलरली हेमोपोएटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम और जीआई सिस्टम के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉलिक एसिड होता है इसको फॉलिनिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम ये विटामिन B12 करता है। तो ऐसे विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती है, उसके कारण देखते हैं। तो डायटरी डिफिशियंसी मतलब डाइट में अगर ये कमतरता होती है तो इसकी वजह से भी ये डिफिशियंसी होती है। मतलब अगर कोई स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाता है, तो उनमें ये डिफिशियंसी पाई जाती है। दूध न पीना, दूध में ये सबसे ज़्यादा होता है और गाय के दूध में तो बहुत होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया, पूर्ण आहार कहा गया है। और वो भी अगर आप बिना गर्म किए धारोष्ण जैसे फ्रेश निकाला हुआ दूध अगर आप पीते हैं तो आपको ये पूरे उसका लाभ प्राप्त होता है और विटामिन B12 हमें मिलता है। इसलिए दूध को पूर्ण अन्न कहते हैं। और ये जो दूध होता है हम बच्चों को इसलिए भी पिलाते हैं कि जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं, ग्रोइंग फेज में होते हैं, और प्रेग्नेंट वुमन, इनमें तो ये बहुत ही कारगर होता है, इनको बहुत ही जरूरत होती है। अगर इन स्टेज में इनको नहीं मिला तो उनकी वृद्धि पर बहुत बुरा असर होते हुए हमें देखा जाता है। दूसरी बात है एब्सेंस इन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ स्टमक, मतलब ये इलियम से ये एब्सॉर्ब नहीं होता है। एडिसन्स परनिसेस एनीमिया, पोस्ट गैस्ट्रोट्रॉमी सिंड्रोम, मतलब अगर किसी वजह से आपका स्टमक पर सर्जरी हुई है, स्टमक का पार्शियल पार्ट निकाला गया है, तो ये वहाँ से एब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता है, इसलिए विटामिन B12 डिफिशियंसी हमें ज्ञात होती है। तीसरा है डिफिशियंसी इन इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम जो होता है, मतलब अगर आप किसी पेशेंट को एब्डोमिनल कॉक्स है, रीजनल आइलाइटिस है, डिस्टल इलियम रिसेक्शन हुआ है, किसी भी वजह से आपका छोटी आंत पर सर्जरी हुई है, छोटी आंत का कुछ भाग निकाला गया है, तो ये पाचन प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से विटामिन B12 इंटेस्टाइन से प्रॉपरली एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए भी विटामिन B12 डिफिशियंसी होती है। चौथा कारण है इंटरफेरिंग द इन्फ्लुएंसेस ऑफ बैक्टीरियल पैरासाइट, मतलब हमारे शरीर में बड़ी आंत में जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सिंथेसिस द्वारा ही ये पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है और विटामिन B12 वहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो बैक्टीरियल ग्रोथ अगर कम हो जाती है या ओवर ग्रोथ हो जाती है उनकी, तो वो भी उस कारण से हमें विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो ऐसे विटामिन B12 का क्या लक्षण होते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि हमें मालूम पड़ सकता है कि आपको विटामिन B12 डिफिशियंसी है? तो ऐसे लक्षणों में आता है माइक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ग्लॉसाइटिस मतलब जिह्वा में सूजन आना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे गंभीर तरह की बीमारियाँ पाई जाती है। अभी विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से हर सिस्टम पे क्या क्या असर गिरता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लड चेंजेस क्या होती है, ब्लड में जो RBCs होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो ये मैक्रोसाइटिक हो जाती है, इनकी आकार बढ़ जाता है, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मालूम होता है। बोन मैरो पर इसका बुरा असर होता है, जो RBC की लाइफ स्पैन होती है 120 दिन की होती है जनरली, तो वो कम हो जाती है, इसकी वजह से भी एनीमिया डेवलप होता है। RBC लाइफ कम होने से जो ब्लड में सीरम बिलिरुबिन की लेवल हमेशा बढ़ी हुई मिलती है 2 से 3 मिलीग्राम तक कंटिन्यू, पेशेंट सब नॉर्मल रहता है लेकिन अगर आप सीरम बिलिरुबिन चेक करेंगे तो 2 से 3 तक उसे मिलती है। फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया में RBC को स्प्लीन और बोन मैरो में नष्ट किया जाता है। सीरम फोलिक एसिड जो होता है उसकी मात्रा हमेशा बढ़ी हुई होती है क्योंकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन शरीर नहीं कर पाता है। स्टमक का जो रीजन है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि स्टमक में जो पेप्टिक और ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं वो म्यूकोसल हाइपरट्रॉफिक होने की वजह से एट्रोफी होती है और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता रहता है, तो इसलिए भी स्टमक से भी ये एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करें, तो डायग्नोसिस के लिए हम सीरम टेस्ट करते हैं तो उसमें विटामिन B12 कम मात्रा में मिलता है। अगर इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है ये 160 से 925 माइक्रोमिलीग्राम पर ml तक होती है, लेकिन जब ये कम होता है तो ये बिलो 90 माइक्रोग्राम पर ml तक आ जाती है। तो दोस्तों ऐसे विटामिन B12 डिफिशियंसी की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक ही है, तो एक तो आप धारोष्ण गोदुग्ध पीजिए, दूसरा है विटामिन B12 की जो इंजेक्शंस है वो जब तक कि क्लिनिकली और हिमेटोलॉजिकली आप क्योर नहीं हो जाते तब तक आपको विटामिन B12 की इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। परनीसियस एनीमिया है जो ऑलवेज ट्रीटेड विद दिस इंजेक्शंस ऑफ साइनोकोबेल मीन्स, कभी कभी तो पूरी जिंदगी भर इसकी इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। 100 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B12 हर रोज लेना पड़ता है जब तक कि इससे पूरी रिकवरी नहीं हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि 100 माइक्रोग्राम तक हमें पूरी जिंदगी भर हर महीने लेना पड़ सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हम ओरली विटामिन B12 10 माइक्रोग्राम तक दे सकते हैं। अगर इंटेस्टिन में इसका माल एब्सॉर्प्शन है तो इसको इंजेक्शन से ही इसका कोर्स पूरा किया जाता है और इंजेक्शन से ही ये डिफिशियंसी दूर की जाती है। दोस्तों
इसका विटामिन B12 डिफिशियंसी का सबसे बुरा असर पड़ता है स्पाइनल कॉर्ड पर, स्पाइनल कॉर्ड का डिजेनरेशन कर देता है, इसलिए पैराप्लेजिया होता है। तो इसके लिए 1000 माइक्रोग्राम तक का हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं जब तक कि इसकी हिमेटोलॉजिकल रिमिशन नहीं हो जाती है। जो न्यूरोलॉजिकल लॉस होता है वो तो रिकवरी नहीं होता है, वो तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन नया जो लॉस होता है वो रोकने के लिए हमें ये थेरेपी देनी पड़ती है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर विचार किया जाए तो ये आपकी कोई सर्जरी हुई नहीं है, तो आपका पित्त प्राकृत नहीं है, वो कुपित हो गया है, इसलिए अगर आपने पंचकर्म पद्धति में विरेचन दिया तो इससे बहुत अच्छा फर्क देखते हुए हमें मिल सकता है। गाय के दूध में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है, जो अन्य प्राणी की दुग्ध से हम अगर तुलना करते हैं तो गाय के दूध में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए गाय का दूध अगर धारोष्ण दूध आप पीते हैं, मतलब बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकाला हुआ, तो इसमें हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। गाय के घी खाने से भी हमें विटामिन B12 मिलता है, किडनी हार्ट ब्रेन में इसका हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक रसायन द्रव्य है, रसायन द्रव्य सेवन करने से भी हम विटामिन B12 डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको ये सब जानकारी दी है, लेकिन आप इस वीडियो पर ज़्यादा अवलंबन रहते हुए अपने डॉक्टर अपने वैद्य का परामर्श जरूर लीजिए, और हम आशा रखते हैं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आपने यह वीडियो अंत तक सुना इसलिए आप सबका धन्यवाद।